वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गुड आफ्टरनून ही समझ लीजिए। 12 बज के 3-4 मिनट हो गए हैं और मैं रेडी हूँ, मार्केट जा रही हूँ। कल आप लोगों को बताया था कल के वीडियो में कि महिमा के लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाई हूँ, तो मैं जा रही हूँ मार्केट उसके लिए, गिफ्ट लेने के लिए। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ना पूछो। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और लिपस्टिक मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मास्क लग जाएगा, तो लिपस्टिक का कुछ बनता नहीं है। लिपस्टिक लगा लो फिर मास्क में लगती है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो लिपस्टिक नहीं लगाई है, बाकी रेडी हो गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मत पूछिए। एसी नहीं चलाई हूँ क्योंकि बाहर जाऊँगी गर्मी में तो फिर नुकसान कर सकता है, इसलिए एसी नहीं चलाई है। तो चलिए जल्दी से चलती हूँ, देखती हूँ क्या लेके आती हूँ। अभी कुछ सोचा नहीं है और जो भी लेके आऊँगी वो आप आने के बाद आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूँ, क्योंकि पैकिंग मुझे घर पर ही करनी पड़ेगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे यही वीडियो शाम तक कंटिन्यू करना है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आज चलिए मार्केट। यहाँ पर मैं आ चुकी थी मार्केट में और मुझे जो चाहिए वो मैं इन भैया से बोल रही थी, निकलवा रही थी। और क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या लूँगी, तो कुछ देर तो मैंने यहाँ पर आकर देखा और ये मैं बैंड ले रही हूँ अपने लिए, बालों में लगाने के लिए। वाइप्स वगैरह काफ़ी चीज़ें लेनी थी, वो सब चीज़ें ली हैं। उसके बाद मैं छोटी छोटी चीज़ें महिमा के लिए देख रही थी। हालांकि मैंने जो गिफ्ट दिया उसको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो लूँगी और उसके लिए एज अ सरप्राइज़ रहेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। और उसको ना महिमा की मेरी आदत ये है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं मांगती है, उसे छोटे छोटे से गिफ्ट में ढेर सारी चीज़ें दो तो बहुत खुश होती है। तो वही मैंने सोचा है। तो देखिए अभी मैंने जो भी मैं देख रही हूँ उससे तो मैंने कुछ लिया भी नहीं ज़्यादा कुछ, तो चलिए जो भी होगा जो भी लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर जाके मुझे नहीं लगता कि मैं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत देर हो गई है और अभी भी मुझे बहुत सारे काम हैं जो वो करने हैं। और मैं घर पे आई थी, मैंने कहा ना मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। उसके बाद डेकोरेशन ये लोग यहाँ पर कर रहे थे, मैं तो नीचे खाना बना रही थी। डेकोरेशन मैंने कुछ नहीं मैंने हाथ लगाया, डेकोरेशन महिमा ने, नैतिक ने और इन्होंने यानी कि मेरे हस्बैंड ने, इन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलकर सारी जो डेकोरेशन है वो करी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सूट तो कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री मुझे, मैं फ्री हुई थी तो मैं ऊपर आ गई थी कि चलो मैंने कहा थोड़ा सूट करके आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो ये वही स्टिकर्स हैं जो महिमा ने घर पर बनाए हैं, DIY किए हैं, कि देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि ये घर के बने हुए हैं। बस प्रॉब्लम क्या हो गई थी इसमें, हम लोगों ने व्हाइट धागा लगाया, ब्लैक धागा होता ना तो ये और अच्छा लगता, बट कोई नहीं ये भी कुछ कम नहीं लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सारा। और यहाँ पर ये रही महिमा की ड्रेस जो महिमा को पहननी है, महिमा नई ड्रेस लेके आई है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो चलिए बस मैं महिमा को रेडी करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
और ये ड्रेस आप लोग पहले से देख चुके हैं मेरी, आई थिंक शायद आई हूँ आप लोग, ये वाली ड्रेस। 8:30 बज गया है, बस केक कटिंग होने जा रही है तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो स्टार्ट कर दूँ। ये देखिए मेरी फुल ड्रेस। तो आप लोग देख चुके हैं ये वाली, मैं कई बार पहन चुकी हूँ, बस मुझे चीकू को लेना है। मैं जाऊँगी, ट्राईपॉड मैंने पहले ही ऊपर भिजवा दिया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप लोग भी मेरे साथ चलिए ऊपर। जो खाना वगैरह है सब कुछ बन गया है, आज बना है, बनाया मंचूरियन, ग्रेवी, फ्राइड राइस, दाल फ्राई और रोटी। तो आप लोगों को जब खाना पीना सब लोग खाएंगे तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ ऊपर। ये रहा महिमा का बर्थडे केक, उसकी फरमाइश पे ही बनवाया गया, उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो वही बनवाया गया है। तो यहाँ पर कैंडल भी जल चुकी हैं और मुझसे ना सूट करते समय गलती हो गई। देखिए अब आप लोग यहाँ पर, अगर मैं इन लोगों को दिखाती तो नीचे का केक कटिंग मतलब नहीं, मतलब दिखा रही हूँ तो नहीं दिखा पाई, मतलब मुझे दिमाग में ही नहीं था कि इसको दिखाने में मैं नीचे केक कटिंग दिखा दूँ। महिमा ने केक वेक भी काट लिया, मुझे ना बिल्कुल भी मतलब मैं जान नहीं पाई। बाद में मैंने देखा कि अरे मैंने तो केक कटिंग का तो सूट ही नहीं किया, तब मुझे याद आया। तो महिमा बोल भी रही थी कि आपने क्यों नहीं सूट किया, केक कटिंग का आपको करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भैया भाभी केक कटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि बाबूजी को भी बाबूजी बोल रहे थे कि नैतिक वाला मैंने करवा दिया, तो ये वाला भैया भाभी करवा दें अच्छा लगेगा। तो बस भैया ने टीका वीका किया, केक कटिंग हुई और दोनों बच्चे देखिए भैया भाभी की गोद में ही है। और ये पार्टी पॉपर इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें पत्तियाँ निकलती हैं, केक वगैरह ख़राब नहीं होता है स्पार्कल वगैरह से। तो बस केक कटिंग हो चुकी है, महिमा केक खिलाएगी ताऊ जी को, ताई जी को, भैया भाभी महिमा को खिलाएंगे। और देखिए बेटो ने तुरंत हाथ लगाया केक में, और छोटू तो पता है बार बार बोल रहा था, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाता है, तो ये क्या बोला करता है, हमका मैका मैका, कि मतलब मुझे भी दो। उधर बार बार हम लोग इसी में हंस रहे थे, देखिए भाभी भी हंस रही हैं, क्योंकि कोई भी किसी को केक खिला रहा था बस ये बोल रहा था मैका। चलिए आगे मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, जब ये बोल रहा है ना तो थोड़ी सी आवाज़ मैं बैकग्राउंड की जो ओरिजिनल वॉइस है वो आप लोगों के लिए मैं रखूँगी कि किस तरह से ये परेशान, क्योंकि ये बताया ना, मैं आप लोगों को बताऊँ ये मीठा बहुत खाता है, इसको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है कि इसको मीठा देख के समझ में आता है ये मीठा है तो ये मुझे खाना है। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए, बाकी सब लोगों को तो आप जानते ही हैं। तो उसको मीठा ही तो पसंद है।
और ये रहा हमारा आज का डिनर, वेज मंचूरियन, फ्राइड राइस, दाल फ्राई और रोटी। बहुत ही अच्छा मंचूरियन बना था मैंने, फर्स्ट टाइम बनाया था। और ये फ्राइड राइस मैं जल्दी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जल्दी बनाने वाली हूँ फिर से, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, ये वीडियो आप लोग कल देखेंगे यानी कि 13 सितंबर को, और उस दिन है मेरा बर्थडे। और इसके बाद बस आप लोगों को मेरा बर्थडे व्लॉग मिलेगा। तो किसको किसको मेरे बर्थडे का, मतलब मेरे बर्थडे व्लॉग का इंतज़ार रहेगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। 13 तारीख को जिस दिन आप लोग ये वीडियो देखेंगे उस दिन होगा मेरा बर्थडे। उसके बाद महिमा को यहाँ पर गिफ्ट खोलने की इतनी जल्दी थी, क्योंकि हर बच्चे को होती है, मुझे लगता है बच्चों का रहता ही है ना कि किसने क्या गिफ्ट दिया। वैसे भी ये भैया भाभी ने दिया था ये बॉक्स वगैरह, तो ये मैं ही लेकर आई थी, क्योंकि उस दिन हुआ क्या था, जो भाभी की हाउस हेल्पर है वो आई नहीं थी, तो बच्चों के लिए भाभी को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो जा नहीं पाई थी। मैं जा रही थी तो मुझसे बोल रही थी कि महिमा के लिए ड्राइंग बुक एक सबसे बड़ी वाली और एक बॉक्स ले आना, पेंसिल बॉक्स और चॉकलेट। तो वही मैंने किया, मैं ये बॉक्स लेकर आई थी, इसमें जो टिक टैक टू खेलते हैं ना हम लोग, ये ऊपर से था, इसमें अंदर से टोकन निकले, तो देखो इन दोनों भाई बहनों ने खेलना भी शुरू कर दिया है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बॉक्स, इस तरह के इन लोगों के पास था नहीं, बहुत तरह के देखे एक्चुअली बच्चों के पास हर तरह के थे, ये मुझे यूनिक लगा तो मैंने ये ले लिया था। और इसके अलावा बस वहाँ यहाँ पर देखे महिमा इसको फिक्स कर रही है, लगा रही है। और इसके बाद ये रहा नैतिक का गिफ्ट जो नैतिक ने दिया है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो जो भाभी ने दिया है वो महिमा से भाभी ने बहुत पूछा, तो महिमा ने फिर बता दिया था कि मुझे क्या चाहिए। और ये भी ब्रश पेन है, ये भी महिमा को चाहिए था। तो ये सारे जो गिफ्ट हैं ये महिमा को पता थे कि मुझे ये मिलने हैं, लेकिन जो मेरा गिफ्ट है वो महिमा के लिए सरप्राइज़ था। बहुत ही महिमा को इतना ज़्यादा बोल रही थी, मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मैं कितनी जल्दी आप वाला गिफ्ट ओपन करूँ, उसको बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। तो ये उसको ब्रश पेन चाहिए थे वो इसको मिल गए हैं, ड्राइंग बुक चाहिए थी वो मिल गई, पेंसिल बॉक्स थे पर भाभी ने फिर भी बोला ले आना। तो ये उसकी ड्राइंग बुक है जो सबसे बड़ी वाली मैं लेकर आई थी। तो बच्चों को महिमा को ड्राइंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, आप लोगों को पहले ही मैं उसकी ड्राइंग दिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। और ये रहा मेरा वाला गिफ्ट मोस्ट अवेटेड महिमा के लिए, जिसका महिमा को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, उसको था कि मुझे मतलब ये वाला गिफ्ट कितनी जल्दी हो, मतलब क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं क्या लेकर आई हूँ, इसलिए उसको लग रहा था कि मौसी का गिफ्ट जो है मैं बहुत ही जल्दी ओपन करूँ। और घर पे मैंने पैकिंग की थी, तो ये मेरा पर्पल का बॉक्स था जो मैंने अपना सामान मंगाया था उसी में मैंने पैक कर दिया था। तो ये दो उसके लिए पेन लाई थी और ये छोटे छोटे से रबड़ बैंड जो कि उसको बहुत पसंद है, ये रबड़ बैंड वगैरह उसको बहुत मतलब इस तरह के फंकी टाइप के लगाना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बोल रही थी कई दिन से मेरे पास बनाना क्लिप मेरी टूट गई, बनाना क्लिप टूट गई, तो वो मैं ले आई थी, एक क्लचर ले आई थी, हेयर बैंड लेकर आई थी ये वाला। एक्चुअली मैं ये ना ब्लैक कलर की इसकी ड्रेस थी उसी के अकॉर्डिंग मैं लेकर आई थी, बट मैंने पैक कर दिया था सारी चीज़ें। तो ये बैंड है, ये कपड़े वाला बैंड भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसको देखे सारे वो लगा लगा कर देख भी रही है, और एक बैंड उसने लगा भी लिया था। उसके बाद वो यहाँ पर पेन जो है वो ओपन कर रही थी और नैतिक यहाँ पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उसको था कि सब दीदी को काफ़ी ढेर सारे गिफ्ट मिल गए, उसको ये नहीं है क्योंकि छोटा है कि मेरे बर्थडे पे मुझे मिले थे, दीदी के बर्थडे पर दीदी को ये देखिए बैंड लगा लिया है इसने, बट उसको थोड़ी सी गुस्सा आ रही थी। आपको गिफ्ट कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। सबसे अच्छा कौन सा लगा? मौसी का लगा। क्यों लगा? अलग अलग चीजें, मतलब खूब सारी चीजें एक साथ उस तरह का। तो तुम मम्मा का ले लो, बाकी सब दे दो। तो टाइम हो रहा है 11 बजे का, और बस आज का वीडियो जो है वो महिमा एंड करेंगे क्योंकि महिमा का बर्थडे था। मैं क्या एंड करूं? बोलो आज का वीडियो एंड करो। अगर आपको आज का मेरा बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल मौसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे बर्थडे व्लॉग को लाइक कर लो और ढेर सारे कमेंट करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी विशेष। बाय। और ये बैठे हैं गुस्सा हो के कि इनको कोई गिफ्ट नहीं मिला है, मुंह देखिए बालों में देखो इस वो लगा है जेल और क्या कहते हैं वो हेयर स्प्रे सब कुछ लगा है। चलो मुझे कोई कुछ नहीं देता। चलिए बाय।